मैं जावेद साहब आपकी बात समझ गया। आपको जो सवाल ये कि भाई जो वर्तमान समय में जो भारत के हालात हैं उसमें मुझे क्या कहना है, देखिए मैं तमाम दोस्तों को जो पत्रकार साथी बताना चाहता हूँ कि जो भी सरकारें हैं इन्होंने आइन का रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस लॉ का इन्होंने शपथ लिया है, उनको आइन के मुताबिक अपने संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए, किस तरह कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। आप जहांगीरपुरी की बात कर लें या राजस्थान में करली की बात कर लें, खरगोन में हो, कहीं न कहीं ये लगता है कि शासन प्रशासन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेने के बाद जो है अपने आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। किस तरह का कोई बायस या पार्टीशन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए एक तरफ वहीं पर मस्जिद है, मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, वहीं पर मंदिर है उसका भी इंक्रोचमेंट नहीं होता है। एक जो मंदिर जो है वहाँ पर राजस्थान में टूटता है, आप देखिए कि किस तरह से उसको लिंक करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वहाँ के पार्षदों ने सबने डिसीजन लिया है और वो सब जो है नगर पालिका जो भी है वहाँ का डिसीजन। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात मैं कहना चाहूँगा कि एक आदमी जो गुप्ता का नाम आ रहा है, जो पेपर में आया, सोशल मीडिया पर आया है, कि वो कह रहा है कि साहब मैं गुप्ता हूँ, उसके बावजूद भी वो कहता रहा उसका इस पे शक पे कि मुसलमान उसकी शक्ल सूरत है, उस पे उसकी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि ये बुलडोजर जो कल्चर है ये भारत को डुबा देगा। अगर इतना ही है तो भाई बहुत से वक्फ की ज़मीनें या बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन जो माफिया हैं या उनके जो काम करने वाले हैं उन्होंने बहुत कब्जा कर रखा, उसको क्यों तोड़ा जा रहा है। सर ऐसे हालात में हम सब लोगों को क्या, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो दानिश्वर तबका है, उसको रोड पे उतरना चाहिए और सीधे सीएम से, पीएम से, होम मिनिस्टर से, जिम्मेदार जो सत्ता में बैठे उनसे बात करना चाहिए। और ये देखा जाए तो हर वो काम सरकार या आरएसएस के लोग कहिए या उनके जो है जागरण मंच के लिए विश्व हिंदू परिषद के लोग कहिए, कलमा पार्टी वालों कहिए, इन्होंने लव हिजाब ऐलान और उसके साथ साथ जो है इंटरफेथ मैरिज वगैरह पे लेके ये सब किया कराया जा रहा है, भड़काने वाली बात की जा रही है। हमको समाज को जोड़ने के बजाय जो है हम उसको बिखेरने की बात कर रहे हैं। और इनका एजेंडा देखा जाए तो बहुत ही आक्रामक, यहाँ तक कि बहुत से अखबार जो बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं उन्होंने संपादकीय लिखा है कि इनका जो रुका वही रवैया जो ठीक नहीं है, इससे माहौल और खराब होगा। ये सब हम लोग को नहीं करना करना चाहिए, हमको रोकना चाहिए। क्या भविष्य में हालात, देखिए भविष्य में देखिए ऐसा है कि निकट भविष्य में अभी ईद आ रहा है, ईद वक्त आएगा। मैं तो तमाम जो है मारवीज के लोग उनसे गुजारिश करूँगा कि शासन प्रशासन से संपर्क में रहे और संपर्क में रहने के बाद जो है उनसे परमिशन के काम करें। दूसरा जो है कोई ऐसा एक्टिविटीज न